बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी? मेरी भी बहुत अच्छी ईद गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बिजी और बहुत अच्छा वीक रहा। आज मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी लेकर नहीं आई, बस कुछ ईद डेज़ के क्लिप्स लिए हैं मैंने आपके लिए। कोशिश करिए छोटा सा व्लॉग बनाने की, जो मुझे नहीं आता देखें आपको पसंद आता है या नहीं। सबकी तरह मैंने भी मेहंदी लगाई थी। और ये ईद डे है हमारा, ये ईद का ब्रेकफास्ट है जो कि सब घरों में होता है। बहुत अच्छा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी ब्रेकफास्ट टेबल है जिसमें बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट है। सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद जो है सब अपने अपने कामों में लग गए। ये अब्बू हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बाहर का मौसम दिखा देती हूँ, थोड़ी सी धूप निकल आई है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लंच की तैयारी शुरू। ये लंच का टाइम है। ये मेरी जो भांजी है जिसने ब्राउनी की रेसिपी की थी मेरे चैनल पे, उन्होंने एक केक बनाया बहुत अच्छा। और ईद हो तो शीर ना हो, शीर है और बिरयानी ना हो ईद पे तो ये हो नहीं सकता। ये बिरयानी है, ये हमारा ईद का लंच है। ये चिकन अचार गोश्त है, ये पाए हैं, ये मटन कढ़ाई है। और मिठाई तो बहुत ज़रूरी होती है ईद पर। बस लंच किया और उसके बाद थोड़ी सी आउटिंग पे चले गए थे। बस इस तरह हमारा फर्स्ट डे ख़त्म हुआ। इसके बाद और दावतें चलती रहीं। अब ये कुछ क्लिप्स बना लिए थे एक और दावत के मैंने। ये हमारे घर में दावत थी, इसमें मैंने फ्राइड राइस बनाए थे क्योंकि बिरयानी पुलाव खा खा कर सब बोर हो चुके थे, तो थोड़ा सा सबको चेंज चाहिए था। तो ये मैंचूरियन बनाया है मैंने, चिकन मैंचूरियन और फ्राइड राइस बनाए थे जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट सा खाना होता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आएगी। ये मैंने खड़े मसाले का चारी कीमा भी बनाया था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। कीमा तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे रूटीन डेज़ हों या दावत में। ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और इससे पहले हमने ईद पर मटन कढ़ाई बनाई थी, अब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था। ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन ये दूसरे वे में बनाई हुई है। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो ये देखें तमाम डिशेस मैंने डिश आउट कर दी हैं, इसका फाइनल लुक देख लें। ये फ्राइड राइस है, ये मैंचूरियन है, इस पर मैंने ग्रीन अनियन के कुछ ग्रीन लीव्स डाल दिए थे और वाइट सेसमन सीड डाल दिए थे। ये हमारा मज़ेदार सा कीमा है जो देखने में भी टेस्टी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। यह हमारी चिकन कढ़ाई है जो सबकी फेवरेट होती है। और ये मेरा स्पेशल मीठा है जो बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड है, इसकी बहुत डिमांड आती है। ये बहुत जल्द आएगा मेरे चैनल पे। ये जितना खाने में मज़ेदार उतना ही बनने में आसान है। और यह हमारी फजी ब्राउनीज़ है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ये मेरी भांजी ने बनाई है और इस दिन भी मेरी भांजी ही मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ये बहुत ही टेस्टी ब्राउनीज़ बनाती हैं। अगर आपको यही ब्राउनीज़ इसी पैक में चाहिए तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टा पे इनका पेज है स्वीटर साइट के नाम से, उस पर आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं और ये मज़ेदार से ब्राउनीज़ घर बैठे खा सकते हैं। ये देखें इंस्टा पे स्वीटर साइट इनका पेज का नाम है, आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। और ये मीठा बहुत जल्द मेरे चैनल पे आएगा, ये बहुत ही डिफरेंट मीठा है। और ये कढ़ाई की रेसिपी भी बहुत जल्द आएगी, ये फ्राइड राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंचूरियन की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है लेकिन ये डिफरेंट वे में है, वो भी जल्द ही आएगी। तो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।